हेलो स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही हम आज के लेक्चर में बात करेंगे राउल्ट के नियम पर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें। अगर राउल्ट के नियम की बात करी जाए तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो फॉर्मूला बनता है वो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी ये होता है। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें तो P इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, आप ये लिख सकते हैं। ये आपके प्योर सॉल्यूट जो भी रहेगा उसका वेपर प्रेशर है, ये उसका मोल फ्रैक्शन है, ये जो आपका सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में और ये उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम यहां पर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। जरा क्वेश्चन आप देखिए, बोल रहा है कि लिख लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन आर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन आर 160 टोर एंड 60 टोर। जैसे इसमें बोला है कि जो पहला यानी कि बेंजीन है, बेंजीन का वेपर प्रेशर और टोलुइन का, बेंजीन का वेपर प्रेशर आपसे बोल रहा है ये कि 160 टोर है प्योर फॉर्म में यानी कि पी ए नॉट, और टोलुइन का बोल रहा है पी बी नॉट, ये आपका 60 टोर है। ठीक है, अब आगे की कार्य सुनिए। देन फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड आइडियल सॉल्यूशन, फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड आइडियल सॉल्यूशन इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है, जरा एक काम करिए आप लोग थोड़ी देर के लिए इसका जो भी कुछ मॉलिक्यूलर वेट जरा निकाल के इसका रखिए, तो बेंजीन का और इसका, तो अगर देखा जाए जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे और वैसे नहीं पड़ेगी, आप बस अभी मत निकालिए, आप इतना ध्यान रखिए। अब आगे की कहानी सुनिए। फर्स्ट केस है, इसमें बोला गया फॉलोइंग केसेस, इसमें फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट यानी कि ए की फर्स्ट ले लीजिए, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए ऐसे। आपसे क्वेश्चन में लिखिए ऑन मिक्सिंग इक्वल मोल्स ऑफ बोथ, मतलब इसके और इसके जो मोल है वो आपस में इक्वल है। तो अगर मान लेते हैं कि एन ए की वैल्यू, तो इसको आप ए मान लीजिए, तो एन बी की वैल्यू भी क्या लेंगे ए, दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, एन ए प्लस एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस ए यानी कि 2a। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, आपको पी ए नॉट और पी बी नॉट यहां पर दिया है, आप रख लेंगे, आपको एक्स ए और एक्स बी आपको पता नहीं है, जरा उसके लिए बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे एक्स ए के लिए तो आपका फॉर्मूला होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, अगर हम एन ए की बात करें तो एन ए की वैल्यू ए है, अपॉन में एन ए प्लस एन बी ये है, आपका आएगा 1/2, ये क्रॉस हो जाएगा ना। इसी तरीके से एक्स बी आपको निकालना पड़ेगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, अगर एन बी की बात करें तो एन बी की वैल्यू कितनी है ए, और नीचे क्या आएगा 2a, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, तो पी नेट आप या पी बोल सकते हैं, पी मिक्स बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये पी ए नॉट है, पी ए नॉट की वैल्यू 160, तो 160 इंटू एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1/2, बीच में प्लस। अगर हम पी बी नॉट की बात करें तो 60 इंटू 1/2, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू कितनी है 1/2, अगर काटा जाए तो ये 80,
और ये काटा जाए तो 30, और ये दोनों को जोड़ा जाए तो 110 टोर आएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बोल रहा है कि जब इक्वल मोल आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उस टाइम जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर आएगा वो 110 टोर के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी में सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड आपसे क्या बोला है, बोल रहा है कि जरा सुन लीजिए पहले और लिख लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में, या फिर वीडियो थोड़ा रोक के आप जो बोल रहे जो इतना बताया गया फर्स्ट पार्ट को कॉपी करिए, फिर सेकेंड लिखिए। 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 4 मोल ऑफ टोलुइन आर मिक्स्ड। मतलब बोला जाता है, बोल यहाँ पे ये रहा है कि आप ना बेंजीन को 1 मोल लेते हैं, 1 मोल बेंजीन लेते हैं, और आप 4 मोल आप टोलुइन लेते हैं, और इन दोनों को मिक्स करते हैं, तब जाके आप बताइए वेपर प्रेशर आपका कितना होगा। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है, जरा एक चीज सुनिए आप। अगर यहां पर हम बात करें अब XA की, तो क्या ये फॉर्मूला NA अपॉन NA प्लस NB, तो NA की वैल्यू 1 है, NA प्लस NB यानी कि 1 प्लस 4 कितना आएगा 5। यहीं पर अगर XB की बात करें तो ऊपर कौन आएगा NB, यानी आएगा ऊपर 4 बटे में 4 और 1 5, इतना आ गया। ठीक है, सिंपल है। अगर यहां पर हम P की बात करें तो PA0 की वैल्यू कितनी है 160 में आप 1/5, क्योंकि XA रखेंगे ना, तो 1/5 प्लस में PB0 की वैल्यू कितनी है 60, तो आप रखेंगे 60 × 4/5। आप ये रखेंगे, देखिए 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 60, तो 12 × 4 = 48, 32 + 48 ये आएगा 80 टोर, ये आपका आंसर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो आपका 80 टोर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी में थर्ड पार्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा रहे हैं, आप इसको तब तक कॉपी करिए। क्या होता है ना कि बोर्ड जो होता है वो कपड़ा से जल्दी मिटता नहीं है, इसीलिए हमें पेज यूज करने की जरूरत पड़ती और ही है। इसको भी हटा देते हैं, इसको रोक के कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, यहां पर थर्ड क्या बोल रहा है वो जरा देखिए। थर्ड आपसे ये बोल रहा है कि इक्वल वेट ऑफ बोथ वर मिक्स्ड आर मिक्स्ड, इक्वल वेट ऑफ बोथ आर मिक्स्ड, मतलब बराबर भार के दोनों मिक्स किए जाते हैं, मतलब दोनों का भार बराबर है, यानी कि अगर हम इसको हटा देते हैं ना, इसका काम खत्म है। अगर हम बात करें कि वेट की, तो इक्वल वेट की बात कर रहा है, मतलब अगर आप डब्ल्यू ए की वैल्यू डब्ल्यू ले लें तो डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी डब्ल्यू। अब यहां पर देखिए, अगर डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी की बात कर रहा है तो एम ए और एम बी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर देखा जाए बेंजीन का, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 78, और अगर टोलुइन का देखा जाए तो टोलुइन का होता है 92। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आपको ये दोनों मिल गए तो यहां से एन ए और NB निकालने की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको NA और NB की जरूरत पड़ेगी, और आपको पता है कि जो NA होता है वो होता है WA अपॉन MA। आप ये लिखेंगे, WA की वैल्यू कितनी दे रखी है W के बराबर, MA की वैल्यू 78, क्योंकि बेंजीन के लिए कितना है 78, है ना। अगर हम टोलुइन की बात करें MB, तो लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अगर हम डब्ल्यू बी की बात करें तो डब्ल्यू बी डब्ल्यू के बराबर है, और एम बी जो आपका है वो एम बी कितना है, कितना दिया 92, तो यहां पर रखेंगे आप 92। अरे है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, इतना है।
अगर आपको हम बोले कि आप Na प्लस Nb कर लीजिए, तो Na की वैल्यू W अपॉन 78 प्लस में W अपॉन 92, दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 78 × 92 ये आएगा 92W और 78W। आप कहेगा दोनों को जोड़ लीजिए, 8, 2, 10, 9, 7, 16, 1, 17, 170 और 98 × 92, आप जैसे वैसे रख दीजिए, कोई दिक्कत अभी नहीं है। अगर हम लोग XA की बात करें तो आपको पता है Na अपॉन Na प्लस Nb, तो Na की वैल्यू कितनी है, W अपॉन 78। Na प्लस Nb की वैल्यू कितनी है, 170 W बटे में 78 × 92 बराबर। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो W इंटू, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो एकदम ऊपर, क्योंकि बीच का बीच में मल्टीप्लाई और नीचे का ऊपर होता है, आपको इतनी बातें पता है। तो अगर इसकी बात करें तो 78 × 92 अपॉन में ये इसमें चला गया 78 × 170 W, ठीक है, W से W, 78 से 78, आप ना 92/170 आप रहने दीजिए, बाद में काट के लिया जाएगा, या अगर काटना चाहें तो आप बैठ के काटिए, हम फट से काट देते हैं इसको, है ना, क्या है 92/170, ये आएगा 0.54, तो आप चाहें तो लिख लीजिए 0.54, ठीक है, आपको ऐसे ही फास्टली थोड़ा काटना पड़ता है इसमें। अगर हम XB की बात करें तो क्या NB अपॉन NA प्लस NB, NB की वैल्यू जरा देखिए तो W अपॉन 92 अपॉन NA प्लस NB कितना है, तो 170 W अपॉन 78 × 92, बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर, यही होगा W इंटू 78 × 92 बटे में, आप लिखेंगे 92 × 170 W, W से W कैंसिल, 92 से 92, ये आ जाएगा 78/170, ठीक है, आप चाहे काटना तो काटिए, ना चाहे काटना तो मत काटिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे 78 में 170 से डिवाइड करेंगे, तो जब 78 में आप डिवाइड करेंगे 170 से तो 0.46 आएगा, तो 0.4 और ये 6 इतना आ गया, ठीक है, बाकी इधर के हिस्से हम हटा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अब देखिए आगे की कहानी हम लोग समझते हैं, आपसे पी की बात कर रहा है ना, पी की बात कर रहा है, टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पी इज इक्वल टू पी ए 160 × एक्स ए की वैल्यू देखी जाए तो 0.54 है, 0.54 प्लस में अगर PB की बात करी जाए तो PB नॉट की वैल्यू 60 था और XB की वैल्यू 0.46 है, आप इसको जोड़ेंगे P नेट की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए जितनी वैरायटी थी हम कोशिश की आपको उतनी वैरायटी के क्वेश्चंस करा दें, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, है ना, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। देखिए अगर हमको क्वेश्चन करना होता तो इतना टाइम नहीं लगता, फट से हो जाता, वो आपको समझाने वाली बात है ना, है ना। आप इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे कहानी समझ रहे हैं। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोबेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोबेंजीन, अच्छा ये आपका क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और अभी आएगा ब्रोमो बेंजीन,
कोई नहीं, आप पहले देख लीजिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, C6H5UClDH, इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, ये आपको दिया है, ठीक है, आपको ये दिया है 112.5 ग्राम पर मोल, ये ऐसे होगा, ठीक है। एंड प्योर ब्रोमोबेंजीन, एंड प्योर ब्रोमोबेंजीन मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपको, ब्रोमोबेंजीन का ये दिया है आपका 157, तो 157 ग्राम पर मोल है। अब आगे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए पहले। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोबेंजीन एंड प्योर ब्रोमोबेंजीन आर 200 टॉर एंड 98 टॉर, बोल रहा है कि इनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्मेट में आपको बोल रहा है कि 200 टॉर है, इसका 200 टॉर एंड पीबी की वैल्यू जो दे रखा है वो 98 टॉर आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये इतना टॉर है। अब आगे की कहानी सुनिए, बोल रहा है आगे 28.4 ग्राम, यहां पर 98 टॉर हो गया कॉमा, देखिए क्या बोल रहा था कि प्योर ब्रोमोबेंजीन आर 200 टॉर एंड 98 टॉर हो गया कॉमा 28.4 ग्राम क्लोरोबेंजीन एंड 78.5 ग्राम ब्रोमोबेंजीन आर मिक्स्ड। एक बार और सुनिए, बोला है कि 28.4 ग्राम एंड आपसे बोल रहा है कि आगे एंड 78.5 ग्राम ब्रोमोबेंजीन आर मिक्स्ड। बोल रहा है कि देन फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आपसे ना पी पूछ रहा है और आपको फॉर्मूला पता है हमें क्या चाहिए, एक्स ए और एक्स बी, क्यों, पी ए नॉट और पी बी नॉट आपको दिया है, तो एक्स ए और एक्स बी कैसे निकलेगा, आप खुद क्वेश्चन में देखिए, आपको डब्ल्यू ए दिया है, एम ए दिया है, डब्ल्यू बी दिया है, एम बी दिया है, तो क्या आप इन्हें एम बी नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। तो अगर हम बात करें ए के लिए और बी के लिए तो हमें चाहिए क्या, एन ए और एन बी, आपको ये दो चीज चाहिए, तो एन ए के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, आपका फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 28.4 और एम ए की वैल्यू दे रखी है 112.5। अगर हम एन बी की बात करें तो ये आपका दे रखा है डब्ल्यू बी, मतलब आप लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अगर डब्ल्यू बी की बात करें तो डब्ल्यू बी 78.5 अपॉन एम बी 157, यहां से NA और NB की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। देखिए आपको खुद काटना पीटना पड़ेगा, ठीक है ना, हम जल्दी से काट दे रहे हैं, हालांकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने को प्रैक्टिस करने पर कोई टाइम यहां पर नहीं है, अगर ऑफलाइन क्लास होती वहां हम आपको समझाते, ठीक है। जैसे 28.5 है बटे में 112.5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, तो ये आएगा 0.25, तो 0.25 ये आ गया। अगर MB की बात करें तो 78.5 अपॉन में 157 ये आ जाएगा 0.5, आपका ये आ गया, ठीक है। अब सुनिए, आपसे आपको निकालना क्या है, XA और XB, एक्स ए बराबर एन ए यानी 0.25 अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए यहीं पर अगर एन ए प्लस एन बी की बात करें तो 0.25 प्लस 0.5 0.75 आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा, तो नीचे लिख सकते हैं 0.75 प्लस में, सॉरी इसको काट दीजिए, 25 टाइम्स 75 1/3 आ गया। XB की अगर बात करेंगे तो आपका आएगा, आपको पता है NB बटे में NA प्लस NB,
एन बी कितना है 0.5 अपॉन एन ए प्लस एन बी 0.75। देखिए ऐसे जीरो बढ़ा लीजिए, इसको इसको काटिए, 25 दूनी 50, 25 तेरी 75, 2/3 आपका आएगा, इतना आ गया। अब हमको चाहिए P, तो P बराबर आपको पता है पी ए नॉट, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 गुणे आप यहां पर एक्से रखेंगे, एक्से की वैल्यू 1/3 प्लस में आपका ये पी बी कितना है 98 × 2/3 आप ये रखेंगे, ठीक है, इंटू 2/3। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर आपका आएगा 200/3 प्लस 98, 2/16 और 2×9=19, ठीक है, 196/3 ये आएगा, ठीक है। जरा जोड़ा जाए दोनों को तो कितना 2×3 396 आएगा, 396/3 आपका आएगा, 3×1=3, 3×3=9, 3×2=6, 132 ये टॉर आपका आंसर आएगा, ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इतना ध्यान रखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, 132 टॉर आपका ये आंसर है, ठीक है। जरा यहां तक कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। जरा देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर मिक्स्ड, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर मिक्स्ड, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेंड आइडियल सॉल्यूशन इज, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेंड आइडियल सॉल्यूशन इज P is equals to 235 - 135x, आपका कितना दिया है, ठीक है। आगे where x is mole fraction of b, x b की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। अब आगे देन कैलकुलेट पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, तो आपसे बोल रहा है कि पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू आप बताइए, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, आप क्वेश्चन में जरा एक बार जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसको जो गिवन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, आपने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे की बात यहां पर समझनी है आपको, अगर हम लोग बात करें कि ये आपका टोटल प्रेशर है जब मिक्स कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए ए और बी के लिए लिखते हैं, तो देखिए यहां पर अगर बात करी जाए तो आप लिखेंगे पी इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, तो आप ये बताइए कि मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा। तो आपको पता है यहां पर एक चीज पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होती है, अगर हम कह रहे हैं कि एक्स बी की वैल्यू x है तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - x के बराबर, तो एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 - x के बराबर है, आप हमारी बात समझ रहे हैं, 1 - x के बराबर है। अब आप ना सारी वैल्यूज पुट करिए, देखिए हमारी बात सुनिए, p इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1 - x प्लस पी बी नॉट एक्स बी की वैल्यू कितनी है एक्स ए, ठीक। अब यहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं वो जरा देख लीजिए, जरा इसको ओपन करिए, ओपन करेंगे इसमें कुल मिला के एक चाहिए अपने को, ठीक है, पी ए एक जगह करिए, एक्स को एक जगह करिए, करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए क्या होगा, लिखेंगे P इज इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है, माइनस, बीच माइनस है, पी ए नॉट एक्स आप ये देखेंगे, प्लस में आप लिखेंगे पी बी नॉट एक्स,
आपने ये लिखा, ठीक है। अब मेरे को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे होगा जरा उसको एक बार हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं, जरा ना सुनिएगा। अगर यहां पर देखा जाए तो ये x लिखा है और ये अकेले है, तो ये तो अकेले हो गया। एक में x लिखा हुआ है यहां से, इसीलिए हमें हटाने की जरूरत पड़ी है। यहां देखो कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, 235 अकेले माइनस 135 x है, तो x को तो एक जगह करना होगा ना, तो यहां पर x दो जगह है, तो एक जगह करने के लिए आप इसमें से क्या करिए कि x कॉमन ले लीजिए, आप रखेंगे पी ए नॉट माइनस, आपने x कॉमन ले लिया है। जब x कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे ना, माइनस आप खींचेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले एक चीज देख लीजिए, x आपने खींच दिया तो माइनस खींचेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और ये x, आप समझ रहे हैं, और ये p के बराबर है। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आप लिखेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड इसको सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो पी ए नॉट की जगह क्या आएगा, पी ए नॉट की जगह 235 आएगा, तो पी ए नॉट की वैल्यू आ गई 235, एक आंसर मिल गया। अब दूसरी चीज सुनिए, x तो ये तो रहा x, लेकिन आप बताइए 135 है, माइनस है तो माइनस तो यही से खत्म ना, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 135, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू 135, पी ए की वैल्यू कितनी है 235 रखिए, माइनस पी बी नॉट रखिए इज इक्वल टू 135, इसको इधर और इसको इधर, तो 235 माइनस 135 इज इक्वल टू पी बी नॉट, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 100, तो ये किसकी वैल्यू आ गई पी बी नॉट की, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए राउल्ट लॉ के जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव टाइप के नहीं होंगे, आपके सामने आएंगे तो इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, तो इतना फिलहाल कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी फिर समझते हैं।